चले आओ शिवांगी। ये बहरी आलिया और रूमिल अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए ये तीनों? नम्रता देवी जी, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का वक्त हो गया। आपसे ज्यादा जल्दी तो हमारी दुल्हन को है शादी करने की, बस आती होगी। आप एक दूसरे का हाथ पकड़िए हस्त मिलाप के लिए। रुचिका, रॉकी, क्या हुआ? उठो बेटा, उठो। रुचिका, रुचिका उठो। तुम ठीक तो हो? शिवांगी, ये झूमर शिवांगी ने गिराया होगा। शिवांगी, मैं जानती हूँ कि ये झूमर तूने ही गिराया है। हिम्मत है तो सामने आ। यही तो चाहती है शिवांगी कि तेरी शादी का मुहूर्त निकल जाए। अब उसको ललकारना छोड़, अगर उसके पीछे पड़ी रहेंगे तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। रॉकी, यहाँ का नजारा बदल चुका है। तुम एक काम करो, शेषा को लेकर मंदिर में जाओ। आज कुछ भी हो जाए लेकिन आज तुम दोनों की शादी होनी चाहिए। लेकिन कौन सा मंदिर? जंगल में एक खंडर है, वहीं पर शिवलिंग स्थापित है। तुम वहां जाओ, देखना आज तुम्हारी जिंदगी का रंग बदल जाएगा। आज वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। जाओ, जल्दी जाओ जी। अगर आज वक्त की बंदिश ना होती तो मैं शिवांगी को मार देती। चलो रुचिका, आओ। शेषा, तेरी मौत का मुहूर्त निकल चुका है, तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है। अगर आज मेरी शादी का मुहूर्त निकल गया तो मैं शिवांगी को मार दूंगी। नहीं रुचिका, इस काम के लिए हम आए हैं। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा, ये चांद नहीं डूबेगा। पूरनमासी का चांद नागिन के लिए वरदान होता है, पर आज का ये चांद तेरे लिए श्राप बनकर आया है नागिन। आज इस चांद के साथ तू भी डूब जाएगी, तेरी मौत आ गई है। शिवांगी आ गई थी, पर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मेरा प्यार मेरे साथ है और तू अकेली। तेरा प्यार तेरे साथ है, कहाँ है? धोखा मैंने दिया? धोखा तो तुमने दिया। और इस धोखे का क्या नाम दूं मैं तुम्हें? रुचिका, रुचिका, तक्षिका, तक्षिका, या फिर शेषा? आज यहाँ सिर्फ हम तीन हैं, चौथा और कोई भी नहीं।
तेरी शंखा मैं थी और वो महेंद्र मैं थी जो अब मर गया। महेंद्र जादूनाथ उन दोनों को हम दोनों ने मिलकर मारा है और आज आज तेरी मौत आई है। याद है क्या कहा था मैंने कि जीत हमेशा प्यार की होती है। देख ले आज प्यार प्यार ही और इस प्यार की प्यार की जीत आज तेरी मौत आई है। आज तेरा शुभ विवाह है। शुभ मौत का मुहूर्त निकाला है और वो मुहूर्त शुरू होता है। रॉकी सबने मुझे कहा था कि शेषा रॉकी तुझे धोखा दे रहा है। मैं किसी की बात नहीं मानी लेकिन आज आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। आज तुमने एक नागिन के प्यार में जहर भर दिया है और अब यही जहर तुम्हें मार देगा। ये जहर मुझे मारेगा। जहर तो रिश्तों में तुमने भरा है। तुमने मेरी बहन अग्नि को मारा। तुम्हारा चेहरा तो मैंने उसी दिन देख लिया था जिस दिन तुमने अंशुमन को मारा। उसी दिन से मैं तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। जो खेल तुमने मेरे साथ खेला है वही खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। तुम तीनों यहां मेरा जी बहुत घबरा रहा है। प्लीज प्लीज मुझे अपने रॉकी के पास ले चलो। मुझे अपने रॉकी की शादी देखनी है। ठीक है बड़ी माँ चलिए आप। थैंक यू बेरी। मेरा मतलब है मानसी मैं अभी गाड़ी लाती हूँ। और ये क्या किया आपने? तो और क्या करती इतना बोल रही थी वो। और वैसे भी मौका अच्छा है इसे अपने साथ में ले जाएंगे। रॉकी और शिवांगी इसे देखेंगे ना तो शेषा के बाद इसे भी मार देंगे। मैं तक्षिका हूँ और तक्षिका मरती नहीं मारती है। तुम क्या समझती हो तुम तक्षिका हो? अगर तुम तक्षिका हो तो मैं भी तक्षक नरेश हूं। जितना जहर तुम्हारे अंदर है उससे कई ज्यादा जहर मेरे पास है। हां जी मैंने कहा था मैं तेरी मासी हूं।
किस प्यार की बात कर रही थी तू? देख, मेरे डर से तेरा प्यार भी भाग गया। कहाँ है तेरा प्यार? अब तू मरेगी। हमारा आखिरी इंतकाम। रोमिल, आलिया, एक काम कर, तुम वहां पे देखो, मैं इधर देखता हूं। हर जगह देख ली, पूरे घर में कोई नहीं है, न यामिनी, न मानसी बुआ, न आलिया, न रोमिल, पता नहीं सब कहां चले गए। मैं वॉशरूम चेक करता हूं। रॉकी, रॉकी, क्या ये बड़ी माँ इसमें क्या चेक कर रही थी? मैं अभी अभी शेषा से मिलके आ रही हूँ। मैंने उसे यकीन दिला दिया कि वो आज रॉकी की दुल्हन बनेगी। हे शिव जी, यामिनी ने कैमरा छिपाया है, इसका मतलब उन्हें हम पर जो शक था वो गया नहीं था, और सच्चाई पता लगाने के लिए उन्होंने ये जाल बिछाया। शिवांगी, बेटा कोई नहीं जानता कि महेंद्र मर चुका है और तुम उसका रूप बनाकर इस घर में घूम रही हो। बुआ, शेषा से डरना मत, आप लोगों के पास नागमणि की शक्ति है। ओह गॉड, बड़ी बहन को से पता लग गया। और ये भी कि नागमणि मानसी बुआ के पास है, इसका मतलब वो रोमिल, आलिया और मानसी बुआ को लेकर कहीं गई है नागमणि हासिल करने के लिए। अगर बड़ी माँ ने इनको कुछ भी किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। चलो। ज्ञानी माँ, अब आप ही कुछ कीजिए, बताइए क्या करें हम। बुआ, आप अपना हाथ मत छोड़ना। रोमिल, कोई है, बचाओ। क्या हुआ, क्या देखा आपने, बताइए ना ज्ञानी माँ, आलिया, रोमिल, मानसी बुआ कहाँ है? अर्धनारीश्वर मंदिर, जल्दी चलो। रोमिल, रोमिल, की भाई, की भाई, रॉकी, रॉकी, रॉकी भाई, की भाई, रॉकी, तुम जाओ। बुआ, आप अपना हाथ मत छोड़ना। रोमिल, कोई है, बचाओ। रोमिल, रॉकी, रॉकी भाई, रॉकी भाई, नहीं, बुआ, रोमिल, रॉकी, जहाँ अर्धनारीश्वर विराजमान हो वहां मौत नहीं आ सकती। शिवांगी, यामिनी धोखे से नागमणि ले गई है। क्या, यामिनी, यामिनी मणि लेकर चली गई? कहाँ गई होगी ज्ञानी माँ?
उस दिशा में। मांझी बुआ, आप रोमिल आलिया को घर लेके जाइए, हम नागमणि लेकर आते हैं। अपना ध्यान रखना तुम दोनों। चलो। आज तेरे सामने हम नहीं, तेरी मौत खड़ी है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत आई है। वही भयानक मौत जो मैंने तेरी मां को दी थी। आज वही मौत, मैं तुझे दूँ, कहती थी ना जिसके पास नागमणि हो, उसे कोई नहीं मार सकता, ये नागमणि मेरे पास है। ये वही नागमणि है जिसके लिए मैंने इतने सारे दुश्मनों को पाल रखा था। ये वही नागमणि जिसके लिए तीन बार मर के मैं जिंदा हुई थी। आज ये नागमणि मेरे पास है और मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। इस दुनिया पर राज करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों की शक्तियां छीन। नागिन की कहानी कान पक गए थे मेरे सुन सुन के। नागिन हूं मैं, आज के बाद नागिन कहानी खत्म। नहीं, कभी खत्म नहीं होगी। जब जब आप जैसे दुश्मन के हाथ ये नागमणि लगेगी, तब तब ये नागिन अपना इंतकाम लेने जरूर आएगी। अच्छा, कैसे आएगी? नागमणि तो मेरे पास है। क्यों रे नागिन, जब शक्ति तेरे पास है नहीं तो स्टंट क्यों कर रही है? देख, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ कर दिखाओ। बिगाड़ने बनाने वाला सिर्फ एक है, और वो है शिव। दुनिया बनाता भी वही है और बिगाड़ता भी वही है। वही देव, वही महादेव है।
उनसे डर यामिनी। अच्छा खुद आता है तो बुलाओ ना अपने उस शिव को, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे उस शिव को, मतलब जरा मैं भी तो दर्शन कर लूं तुम्हारे उस शिव का। है ना तुझे तेरे शिव पर, तो चल आज तेरे शिव के शस्त्र से ही मैं तुझे मार दूंगी। मंदिर में तेरा काल आया है, शिव के मंदिर में स्वयं शिव जी आए, जितना जहर हम नाग नागिन के अंदर होता है उससे कहीं ज्यादा जहर तुझ में, आज उस जहर का मंथन होगा, आज तेरा दहन होगा। जय भोलेनाथ। आज हमारा आखिरी इंतकाम पूरा हुआ। मैंने कहा था ना तक्षिका कभी मर नहीं सकती,
मैं आ रही हूँ रॉकी शिवांगी, तुम दोनों की मौत बनके आ रही हूँ मैं। रोमिल, आलिया बुआ, सच की जीत हुई, हमने शेषा यामिनी को मार दिया। मानसी बुआ, अगर आप नहीं होते तो मैं ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाती। थैंक यू। क्या हुआ, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? नागिन का जहर जो चढ़ गया है, मैंने कहा था कि तक्षिका नहीं मरती। तुम लोगों ने यामिनी को तो रास्ते से हटा दिया, पर मुझे हटाने के लिए तुम लोगों को 100 जन्म लेने होंगे। चल नागमणि दे। नहीं दूंगी। केशव, छोड़ दो उन्हें। अब जब तक तू मुझे नागमणि नहीं देती, तब तक ये तीनों तक्षक लोग में रहेंगे। केशा, रुक जाओ। क्यों रोका तुमने मुझे? वो मानसी बुआ मेरे भाई बहन दोनों को ले गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते रॉकी, हम शेषा को मार नहीं सकते, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये अनहोनी कैसे हो गई यानी माँ? ये बताने के लिए मैं आपके पास आ ही रही थी, उसके पहले ही शेषा ने अपना वार कर दिया। पर हमने तो शेषा को मार दिया था। तुम लोगों ने शेषा को मारा, तक्षिका को नहीं। मतलब जब शेषा ने तक्षिका को मार के उसका रोक लिया, तो उसे तक्षिका का वरदान मिला और उसके साथ श्राप भी। शेषा को तक्षिका की शक्ति मिली तो उसके साथ जहर भी। तक्षिका के अंदर इतना जहर है कि उसके जहर ने उसके लोग को ही जहरीला बना दिया। उसका जहर काटना इतना आसान नहीं, पर उसे मारने का तोड़ मुझे मिल गया। अर्धनारेश्वर की मंदिर के एक शिला पर पड़ा मैंने। तक्षिका की मौत का रहस्य। तक्षिका को मारने के लिए दो बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात, उसके खून की एक भी बूंद जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। उसके खून की जितनी भी बूंदें जमीन पे गिरेगी, हर एक बूंद से और एक तक्षिका जन्म लेगी। दूसरी बात, उसे मौत देने वाली सिर्फ एक ही शक्ति है, अर्धनारेश्वर। शिव और शक्ति का अद्भुत संगम इस संसार के एक ही ईश्वर अर्धनारेश्वर। इस संसार के रचयिता भी वही और विनाशकर्ता भी वही। जब शिव शक्ति एक दूसरे में समाकर शक्तियों का महापुंज बने थे, तो कहलाए थे अर्धनारेश्वर। अब वही विनाश कर सकते थे तक्षिका का। पर ये सब संभव कैसे होगा? अर्धनारेश्वर से याचना करो, उनसे प्रार्थना करो, शेषा को अर्धनारेश्वर के मंदिर तक ले आओ। जैसे ही वहाँ उसकी मौत होगी, तक्षक लोग के सारे जहरीले नाग मर जाएंगे। पर ये होगा कैसे ज्ञानी माँ? होगा, आज रात को ही होगा। आज रात शेषा स्वयं अर्धनारेश्वर मंदिर आएगी, अपनी मौत को गले लगाएगी। पर हमें वहां लेकर कौन जाएगा? हम। नहीं, नहीं शिवांगी, ये मणि शिव की धरोहर है,
तो मुझे शेषा को नहीं दे सकती। माँ, अब ये मनी आपके हवाले, अब इसकी रक्षा आपको ही करनी है। सिर्फ यही एक रास्ता है शेषा को अर्धनारेश्वर मंदिर तक लाने का। इसी रास्ते पर चलकर वो अपने मौत को गले लगाएगी। ये तुम क्या कर रही हो? मेहमान नवाजी हो गए, लाओ अब नागमणि का। हम नागमणि नहीं लाए। नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? हमने नागमणि को अर्धनारेश्वर मंदिर में स्थापित किया था। जब हम वहां नागमणि लेने के लिए गए तो मणि उठा नहीं पाए। वहां एक पंडित जी ने बताया कि नागमणि को अब सिर्फ एक शक्तिशाली महारानी ही उठा सकती है। ठीक, नागमणि मैं उठाऊं, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी। नाग नागिन का जोड़ा मेरे साथ चलेगा। अगर एक पहर तक मैं वापस नहीं लौटी तो इन तीनों को मार दें। चले तो यहां है नागमणि। कहां है? वहां उस शिवलिंग के नीचे। देखा, आगे बढ़, उठा के दे मुझे। मैंने बताया ना, अब ये नागमणि केवल एक शक्तिशाली महारानी ही उठा सकती है। और नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन तो तू ही है, तो फिर नागमणि उठाने में डर किस बात का? शेष वंश के नाग ज्ञानी मां, अच्छा तो पूरे शेष वंश को अपने साथ लाई है तुम। मैं तक्षिका हूं, मुझे कोई अंश और कोई वंश नहीं मार सकता। शेषा कहाँ चली गई?
अब इतने सारे तक्षक नागों के बीच में उसे कैसे ढूंढे? वो कितने भी नागों के बीच में छिप जाए, आज उसकी मौत आकर रहेगी। रॉकी, वो तो कहीं भी नहीं दिख रही, कहाँ गई वो? कहाँ है वो? मैं यहाँ। जल्दी करो, ये कुछ देर के लिए स्थिर हो गई है। हे शिव जी, अपने भक्तों का उद्धार करो, इस शेषा का संहार करो। शक्ति दो प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो यहां से। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। अगर इंतकाम के इस राह पर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मेरी कहानी अधूरी रह जाती, मैं अधूरी रह जाती। आज तुमने मेरी कहानी को पूरा कर दिया रॉकी।
मैं नहीं मानती, नहीं मानती कि फिर मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जानते हैं रॉकी, ये धरती, ये आसमान, ये कुदरत, ये कायनात कि तुम मुझ कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो मुझे, सब जानते हैं। मेरा रोम रोम कहता है, तुम्हारी हर सांस कहती कि मैं जान हूं तुम्हारी। मेरी जान क्यों ले रहे हो तुम, क्यों ले रहे हो, क्यों रोगे? क्यों रोगे? मेरे लिए, मेरे लिए नहीं करता तुमसे प्यार, नहीं करता तुम्हारी फिक्र, नहीं करता तुम्हारी परवाह। हाँ, तुम्हारे साथ था, इंतकाम में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम्हारी कहानी पूरी करने के लिए, मेरी कहानी पूरी करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए नहीं, तुम्हारी मौत के लिए। तुम मुझे बहुत जानते हो, जानती हूँ क्यों किया। वंश की सबसे बड़ी शक्ति थी, इसे कोई नहीं मार सकता था, ना किसी का हथियार, ना किसी का वार, ना किसी का प्रहार, इसे सिर्फ एक ही मार सकता था, प्यार। आज प्यार ने प्यार को मार दिया, एक नाग ने नागिन को मार दिया। तुमने मेरी बात मान के बहुत अच्छा किया, अच्छा किया जो शिवांगी को मार दी, उसे मरना ही था, यही मौत लिखी थी उसकी जिंदगी, और वही मौत मरी है, शिवांगी का मरना लिखा था, वो मौत होनी थी, हो गई, नागिन खत्म,
नागिन खत्म, नागिन खत्म। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.